आईफा अवार्ड्स 2020 इस बार भोपाल और इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। सोमवार को भोपाल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और जैकलीन इस अवार्ड फंक्शन की तारीखों का ऐलान करने पहुंचे। खास बात तो ये है कि इस अवार्ड फंक्शन का पहला टिकट खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरीदा है। आईफा 2020 भोपाल में 21 मार्च और इंदौर में 27 मार्च को होने जा रहा है। इन फंक्शन अवार्ड में 400 से अधिक फिल्म कलाकार समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री से 5000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। अवार्ड फंक्शन की जानकारी देने के लिए सलमान खान, जैकलीन और सीएम कमलनाथ भोपाल के मिंटो हॉल में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सलमान खान मेरे अभिन्न मित्र है। आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में होगा तो प्रदेश में निवेश आएगा, निवेश विश्वास से आता है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इंदौर की तुलना मुंबई से हो। जब इस अवार्ड फंक्शन के लिए इंदौर में आमंत्रित किया तो फिल्म इंडस्ट्री वाले मजाक समझ रहे थे। आईफा समारोह में बॉलीवुड की सभी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और फिल्म इंडस्ट्री की तमाम नामचीन हस्तियां इस आयोजन का हिस्सा होंगी। जानकारी के अनुसार आईफा अवार्ड समारोह का प्रसारण दुनिया के 90 देशों में किया जाएगा, जिस पर 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पहला आईफा अवार्ड समारोह 2000 में लंदन में आयोजित किया गया था। पहले मुख्यमंत्री ने सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस का स्वागत किया। सुप्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान ने मध्य प्रदेश और विशेष रूप से इंदौर से जुड़ी बचपन की यादों को ताजा किया। उन्होंने ऐसी स्मृतियां दोहराई जिससे मध्य प्रदेश के लोग अनजान थे। उन्होंने चुटीले अंदाज में बताया कि वे मुंबई में गर्भ में आए और इंदौर की धरती पर जन्म लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे जो कुछ भी हैं मध्य प्रदेश में बचपन में मिली तालीम की बदौलत है। सलमान खान ने मध्य प्रदेश से अपने भावनात्मक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि 6 पीढ़ियों से मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता इंदौर से मुंबई चले गए थे और मुंबई में नाम कमाने के बाद भी इंदौर से गहरे जुड़े रहे। सलमान खान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को सबसे युवा मुख्यमंत्री कहना उचित होगा क्योंकि वे युवाओं की तरह काम करते हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने आईफा अवार्ड से जुड़ी यादें ताजा करते हुए बताया कि वे कोलंबो से आईफा अवार्ड से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का हो गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।